नेम प्लेट के बाद एक और विवाद, हरिद्वार में कांवड़ मेला मार्ग पर ढकी मस्जिद और मजार। इस बार सावन में कांवड़ मेले में नेम प्लेट को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि हरिद्वार में प्रशासन का एक कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पहली बार हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद और मजारों को ढकने का काम किया है। कांवड़ के दौरान आर्यनगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया, जो स्थानीय लोगों को नागवार गुजर रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां के ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी स्थित मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगाया गया है। हालांकि इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान मस्जिद और मजार को कभी नहीं ढका गया। मजार और मस्जिद के मौलाना प्रशासन के इस कदम से अनजान है। वहीं इस तरह से मस्जिद और मजारों को ढकने पर मस्जिद के मौलाना और आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है कि मस्जिदों को ढका गया हो। आज से पहले कभी भी कांवड़ मेले के दौरान मस्जिदों को नहीं ढका गया, जिसका वो पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। मामले ने जोर पकड़ा तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब कोई चीज़ होती है उस पर वोट लगा देते हैं। इस प्रकार से अगर किया गया है तो उसका उद्देश्य यही है कि कोई भड़के नहीं, कोई उत्तेजना ना हो और हमारी कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देखते हैं इसका फीडबैक क्या मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हरिद्वार SSP प्रवेंद्र डोभाल का कहना है कि पुलिस का कार्य मेले के दौरान व्यवस्था बनाना है और कांवड़ियों की सुरक्षा करना है, उनके द्वारा कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं जब इस विषय में हरिद्वार के जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि यह कार्य किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि उनका मकसद कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले और इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, लेकिन जिस तरह से इन मस्जिदों और मजारों को पर्दे से ढका गया है उसके पीछे प्रशासन का क्या मकसद है ये साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस तरह की हरकत से लोगों के अंदर तो गुस्सा और पनपेगा और इन मजारों और मस्जिदों पर पर्दा डालकर प्रशासन ने क्या साबित करना चाहती है उसे भी ये साफ करना चाहिए। वैसे इस बार कांवड़ यात्रा से पहले और अब कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार कुछ ही ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रही है और फिर इस मामले को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दे रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।